तो हवे नजर करीशुं तमाम मोटा अने महत्वपूर्ण समाचार समाचार सुपरफास्ट में। राज्य में आगामी त्रण दिवस भारे वरसाद की आगाही, सौराष्ट्र कच्छ दक्षिण गुजरात में आगाही कराई, उत्तर गुजरात में पण भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी। गीर सोमनाथ जूनागढ़ पोरबंदर में भारे वरसाद पड़शे, तापी वलसाड़ डांग में पण धोधमार वरसाद थशे, माछीमारों ने बे दिवस दरियो न खेड़वानी सूचना अपाई। राज्यनी जीवादोरी सम्मान, नर्मदा डेम ओवरफ्लो थवानी तैयारी में, नर्मदा डेम संपूर्णपणे भराई जवाती मात्र 23 सेंटीमीटर बाकी, सरदार सरोवर डेमनी सपाटी सीजन में प्रथमवार 138.45 मीटर। नर्मदा डेमनी महत्तम सपाटी 138.68 मीटर, डेम में हाल में पानी की 1,26,519 क्यूसेक आवक, जयरे बे दरवाजा खोली नदी में छोड़ाई रही है 5,000 क्यूसेक पानी। गुरुवारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल करशे मां नर्मदाना नीरना वधामणा, सीएम सरदार सरोवर डेमनी मुलाकात लई शास्त्रोक्त रीते पूजा विधि करशे, रात्रे पूर्ण सपाटीए भराई शके छे डेम। सीएमना आगमन ने लईने नर्मदा निगमना अधिकारीओ तैयारीओ में लाग्या छे, नर्मदा डेमना 10 दरवाजा खोली पाणी छोड़वामां आवता प्रवासीओ पण डेम पर उमटिया। कच्छमां मेघराजानी धमाकेदार बेटिंग, अबडासा सहितना विस्तारोमां धोधमार वरसाद वरसता जड़बंबाकार की स्थिति सर्जाई, रस्ता पर नदी की जेम पानी धसमसतो प्रवाह जोवा मळ्यो। कच्छना नलिया कोठारा विस्तार में वरस्यो धोधमार वरसाद, बजारों में पानी प्रचंड प्रवाह जोवा मळ्यो, पश्चिम कच्छ में वरसादी माहौल। कच्छना रापर सहित वागड़ विस्तार में गाजवीज साथ वरसाद, सतत वरसादथी अनेक विस्तारों में पानी भराया। भावनगर जिला में वरसादी माहौल, शहर और ग्राम्य पंथक में धोधमार वरसाद पड़ो, भारी पवन और वीजड़ी कड़ाका भड़ाका साथ वरसाद। अमरेली जिला में वरसादी माहौल, सावरकुंडला ग्राम्य विस्तारों में वरसाद, नाड़विरडी ठवी सहित ग्राम्य विस्तारों में वरसाद। सावरकुंडला ठवी विरडी मोटा भमोदरा सहित ग्राम्य विस्तारों में गाजवीज साथ वरसाद पड़ो, जिला में एक सप्ताह की मेघमहर यथावत। अमरेली धारी पंथक में मेघा की धमाकेदार बैटिंग, धारी माधोपुर गा में भारी वरसाद खाबकता जड़बंबाकार, माधोपुर गाम की स्थानिक नदी में भारी पूर, नदी पानी पूर पर फरी वड़िया। गीर पंथक ग्राम्य विस्तारों में मेघराजा मनमुकीने वरसिया, धारी तालुकाना सरसिया गाम में गाजवीज साथ वरसाद थता रस्ता पर वहता थया पानी, बाबरा पंथक में बपोर बाद वरसाद पड़ता खेडूत खुशखुशाल। गीर गढ़ा गीर जंगल में वरसाद की तोफानी बैटिंग, गीर जंगल में एक कलाक में 3 इंच वरसाद खाबक्यो, भारी वरसाद की रावल डेम बे दरवाजा अर्धा मीटर खोलाया, नीचाणवाड़ा विस्तारों ने एलर्ट कराया। गीर सोमनाथ में कोडिनार की शिंगोड़ा नदी ब्रिज पास की महिला मृतदेह मिली आयो, मृतदेह बावड़ झाड़ साथ बांधेली हालत में मिली, पुलिस घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी। भावनगर जिलाना वातावरण में आव्यो पलटो, जिलाना पालीताणा पंथक में वरस्यो वरसाद, पालीताणाना सोनपरी सेंजलिया आकोराड़ी जाड़िया में पड़ो वरसाद। राजकोट में वरसादे जमावट बोलावी, राजकोटना अनेक विस्तारों में वरसाद वरस्यो, छूटो छवायो वरसाद पड़ता खेडूतों में आनंद माहौल, लोगों ने असह्य बफारा थी राहत मिली। राजकोट में नदी में रिक्षा तणावा दृश्य सामे आव्या, राजकोटना रूखड़ीपरा नदी पास आवेल आजी नदी में रिक्षा तणाई थी, आजी नदी में रिक्षा चालक पोतानी रिक्षा बाहर काढ़तो जोवा मळ्यो। राजकोटना धोराजी और ग्राम्य पंथक में वरसाद, भारे पवन साथ धोधमार वरसाद थी खेतरों में भराया पानी, वरसाद ने लईने खेडूतो चिंतातूर बन्या, खेडूतो ने पाक नुकसान की भीति। बोटाद शहर में धीमी धारे वरसाद, बोटाद ताजपर पाटी हड़दन खस सहित अनेक गामों में वरसाद, सतत वरसाद थी खेडूतो ने फायदो। अंबाजी में वरसादी माहौल जोवा मळ्यो, बजारों में पानी फरी वड़िया, अंबाजी आसपासना विस्तारों में हड़वो थी भारे वरसाद, अंबाजी अनेक विस्तारों में पानी भराया, राहदारी परेशान, रस्ता पर पानी प्रवाह वह्यो। अंबाजी में भारे वरसाद ने पगले मान सरोवर कुंड पानी में गरकाव, माताजी दर्शने आवेला श्रद्धालुओं भींजाया। बनासकांठा में वरसाद ने कारण पाक ने नुकसान, थराद में भारी पवन फूंकाता अनेक शेड उड़ी गया, डोडगाम में वावाझोड़ा ने कारण पाक ने नुकसान, पवन ने कारण शेड पड़ता ट्रेक्टर तेमज घरवखरी ने भारी नुकसान। तापी नदी कोजवे फरी छलकायो, तापी जलस्तर में वधारो थयो, सतत 2 महीना थी तापी कोजवे बंद, उकाई में 1.95 लाख क्यूसेक पानी छोड़वा निर्णय, उकाई डेमनी भयजनक सपाटी 345 फूट, तापी नदी पर कोजवे हाल 7.93 मीटर की सपाटी पर।
वलसाड जिलाना शंकर तड़ाव गाम नजीक बाम खाड़ी कोजवे पर पानी फरी वळ्युं। कोजवे पर पानी फरी वळता पांच गामना लोको मुश्किली में मुकाया। विद्यार्थी नौकरी धंधा माथे बाहर जता लोकोने हालाकी। कोजवे की ऊंचाई वधारवा लोकोए मांग करी। नवसारी में वरसादी माहौल, सतत बीजा दिवसे वरसादी माहौल। जिलाना विविध छ तालुकाओं में छूटो छवायो वरसाद नोंधायो। वरसाद ने कारण वातावरण में ठंडक प्रसरी। खेड़ा जिला में वातावरण में पलटो। यात्राधाम डाकोर में वरसाद पड़ो। वादळछाया वातावरण वच्चे वरसाद की शुरुआत। डाकोर की आसपासना विस्तारों में वरसाद। दाहोद जिला में वातावरण में पलटो। दाहोद जिला में वरसादी माहौल जाम्यो। झालोद, लीमड़ी, सिंगवण, लीमखेड़ा सहित ग्राम्य विस्तार में वरसाद। दाहोद जिला वातावरण में पलटो आव्यो। लीमखेड़ा में धोधमार वरसाद। वरसाद ने लईने वातावरण में ठंडक, गर्मी और बफारा थी लोगों ने मिली राहत। दाहोद में सिंगवड़ना माछेल खाते मकान पर वीजड़ी पड़ी। वीजड़ी पड़ता एक महिला ने पहुंची गंभीर इजाओ। इजाग्रस्त महिला ने हॉस्पिटल में दाखिल कराई। राजकोट में आज एक डेम ओवरफ्लो। न्यारी एक और भादर एक डेम पर ओवरफ्लो थयो। त्रणे जलाशयों में राजकोट ने पूरु पड़ाय छे पानी। राजकोट में आज एक डेम ओवरफ्लो। न्यारी एक और भादर एक डेम पर ओवरफ्लो थयो। डेम ओवरफ्लो थता मंत्री अरविंद रैयाणी, धारासभ्य गोविंद पटेल, मेयर सहित लोग नदीना वधामणा करवा पहुंच्या। नर्मदा नो बीजो करजण डेम भरायो। पानी की आवक थता डेमना चार दरवाजा खोलाया। उपरवास, डेडियापाड़ा ने सागबारा में वरसाद की पानी की आवक। हाल करजण डेम की सपाटी 112.36 मीटर। रूल लेवल सावा माटे चार गेट खोलाया। द्वारका में जाम खंबाड़िया नो सीहण डेम ओवरफ्लो। उपरवास में अविरत वरसाद की सीहण डेम ओवरफ्लो थता नयन रम्य दृश्य सर्जाया। स्थानिकों सहित खेडूतों में खुशी नो माहौल। महिसागर कडाणा डेम में 18,435 क्यूसेक पानी की आवक थी। डेम की सपाटी 418.6 फूटे पहुंची। डेम की भयजनक सपाटी 419.4 फूट। डेमनु रू लेवल जाड़वा डेम में छोड़ाई रहा है पानी। अमदावाद लिफ्ट दुर्घटना में गुनो दाखिल करायो। पुलिस कलम 304 हेठ गुनो नोंधियो। त्रण लोगों ने अटकायत करवामां आवी। कॉन्ट्रेक्टर, पेटा कॉन्ट्रेक्टर सहित त्रण सामे गुनो दाखिल। अमदावाद में गुजरात यूनिवर्सिटी पास मोटी दुर्घटना सर्जाई। एस्पायर बे नामनी बिल्डिंग में बनी दुर्घटना। लिफ्ट तूटी पड़ता छ थी वधु श्रमिकों ने मौत। सातमा माड़े थी लिफ्ट तूटी पड़ता दुर्घटना बनी। घटना ने लईने फायर विभाग नु निवेदन। घटना अंगे फायर ब्रिगेड ने जाण नोती कराई। सेफ्टी नियमों नु पालन छे के नहीं तेनी तपास कराशे। चालू बांधकाम दरमियान घटना बनी होवानु प्रत्यक्षदर्शी नु निवेदन। लिफ्ट तूट्या बाद पुलिस तपास शुरू करी। कॉन्ट्रेक्टर की पुलिस पूछपरछ करी। बिल्डिंग में सुरक्षा अभाव होवानु पुलिस नु निवेदन। एफएसएल की मदद थी तपास हाथ धराई। लिफ्ट पड़ता मौत मामले शहर कांग्रेस प्रमुख और विपक्ष नेताए बीएस हॉस्पिटल की मुलाकात ली थी। जवाबदार बिल्डर की चिट्ठी रद्द करने की मांग करी। मृत्यु पामेला लोकोना परिवारजनों ने 5 लाख की सहाय की मांग करी। कच्छना जखौ पास मधदरिये 200 करोड़ ड्रग्स पकड़ायू। गुजरात एटीएस और कोस्टगार्ड नु दरिया वच्चे मोटो ऑपरेशन। 200 करोड़ की कीमत 40 किलो ड्रग्स पकड़ायू। पाकिस्तानी फिशिंग बोट अल तयासा में लवाई रह्यो हतो ड्रग्स। गुजरात दरिया में 200 करोड़ ड्रग्स साथ 6 पाकिस्तानी झड़पाया। पंजाब की कपूरथला जेल में ड्रग्स मंगावायो होवानो थयो खुलासो। पाकिस्तान थी ड्रग्स मंगावीने करातो हतो नशानो कारोबार। पंजाब की कपूरथला जेल में कैद नाइजीरियन मूळना व्यक्ति मंगावियो हतो ड्रग्स नु कंसाइनमेंट। जेल में रही सीमा पार थी मंगावातो हतो ड्रग्स। पाकिस्तान ना कराची ना अब्दुल्ला नामना व्यक्ति साथ जेल में बंद आरोपी हतो संपर्क। अब्दुल्लाए मछीमारों ने ड्रग्स गुजरात की सीमा सुधी लावा कर तैयार। पंजाब थी जग्गी और सरताज नामना बे व्यक्तिओ मतदरिये लेवाना हता ड्रग्स नु कंसाइनमेंट। जखौ पास थी पकड़ायेली बोट में 6 पाकिस्तानी हता सवार। गुजरात एटीएसे 6 पाकिस्तानी और 2 भारतीय सहित 8 लोगों ने करी धरपकड़। पंजाब की जेलों में चाली रो ड्रग्स नेटवर्क। पकड़ाये ड्रग्स मामले डीजीपी आशीष भाटिया की पत्रकार परिषद। समग्र कांड मामले डीजीपीए माहिती आपी। कहू एटीएस ना के पटेल और जेएम चावड़ा की टीमें ऑपरेशन पूरु पाड़ू। 2022 में गुजरात में 1,328 किलो ड्रग्स पकड़ायू। ड्रग्स कारोबार ने लईने गुजरात एटीएसे कर्यो मोटो दावो। गुजरात में पकड़ाता ड्रग्स ना तार पंजाब की जेलों सुधी। अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर और फरीदकोट जेल नु खुल्यू नाम। जुलाई में पकड़ाये ड्रग्स केस में पंजाब नु कनेक्शन। ड्रग्स मामले नाम लीधा विना हर्ष संघवीए केजरीवाल पर कर्या प्रहार। कहू पंजाब नु ड्रग्स नेटवर्क तोड़वा
गुजरात पोलीसे काम कर्यु, गुजरात पोलीसना कामथी केटलाकने पेटमां दुखशे, गृहराज्यमंत्री संघवीए पोलीसने आप्या अभिनंदन। अमदावादमां कुख्यात ड्रग्स सप्लायरना घर पर सरकारी बुलडोजर फर्यु, पोलीस बंदोबस्त वच्चे कोर्पोरेशने दरियापुरनी भंडेरी पोळमां आमीना बानुनुं घर धराशायी कर्यु, थोड़ा समय पहला ज आमीना बानुनी कराई हती धरपकड़। राष्ट्रीय पंचायती राज अवॉर्ड में हवे 1.50 करोड़ सुधी ग्रांट अपाशे, नौ थीमना आधारे पंचायत की पसंदगी कराशे, विजेता थवा ग्राम पंचायतों में डेटा एंट्री नु काम शुरू। गुजरात विधानसभा की चूंटणी ने लईने कांग्रेस में दावेदारों की होड़ लागी, कांग्रेस पासे 182 बैठक में दावेदारी 600 थी वधु बायोडेटा आया, प्रदेश कांग्रेसे आपी माहिती, सौथी वधु कड़ी बैठक पर अरजीओ आवी होवानो दावो। विधानसभा की चूंटणी में कांग्रेस की कवायत, महेसाणा जिला की 7 बैठकों में सेंस प्रक्रिया योजाई, भरतसिंह सोलंकी सहित नेताओं उम्मीदवारों माटे लीधा सेंस, सुरक्षित बैठकों पर वहला उम्मीदवार जाहिर करशे कांग्रेस, भरतसिंह सोलंकी आप्यु निवेदन, कहू अमे स्पष्ट छे त्या उम्मीदवार जाहिर करीशुं, कांग्रेसे महेसाणा में उम्मीदवारों माटे लीधी सेंस। आप पर भरतसिंह सोलंकी शाब्दिक प्रहार, कहू महात्मा गांधी की विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, भाड़ाना कार्यक्रमों की हवा उभी करवानो लगाव्यो आरोप, पेट कार्यक्रमों अने जाहेरातों की हवा उभी करवानो प्रयास कर्यो। डांग जिलाना सुबीर तालुका भाजप युवा मोर्चा प्रमुखे आप्यु राजीनामु, प्रमुख सहित 13 सभ्यों आप्यु राजीनामु, युवा मोर्चा प्रमुख जिग्नेश भोयेनु राजीनामु, डांग भाजप प्रमुख दशरथ पवार ने सौंप्यु राजीनामु। अमरेली बगसरा तालुका पंचायत बे सदस्य और एक कांग्रेस आगेवान भाजप में जोड़ाया, जिला प्रमुख कौशिक बेकरिया त्रणे सभ्यों ने खेस पहेरावीने आवकार्या। अमदावादनी वेजलपुर बैठक पर टिकट ने लईने विवाद, आपना उम्मीदवार विरुद्ध कार्यकरो में असंतोष खुलीने आव्यो बाहर, दावेदार साकिर शेखे वीडियो वायरल करीने आक्षेप कर्या, पैसाना जोरे टिकट अपाती होवानो आक्षेप। अमदावाद में गोमतीपुर वोर्ड भाजपा युवा मोर्चा प्रमुख पर हुमला मामलों, कैबिनेट मंत्री जगदीश पंचाल और प्रदीप परमार पहुंचा शारदाबेन हॉस्पिटल, घायल पवन तोमर ने पूछा खबर अंतर। युवा मोर्चा प्रमुख पर हुमला मामले गोमतीपुर पुलिस छह लोगों की करी धरपकड़, तमाम लोगों सामे आईपीसी की कलम 307 एटले हत्याना प्रयास नो गुनो दाखल करायो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सूरत हजीरा की मुलाकात आया, क्रिप्को द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हाजरी आपी, बायो इथेनॉल प्लांट नु खातमुहूर्त कर्यु, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण उपस्थित रहा। हिंदी दिवस की उजवणी निमित्ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नु संबोधन, कहू हिंदी कोई भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं परंतु सखी है, जनता साथे जोड़ायेली भाषा विकास करे छे। केंद्रीय पोर्ट और शिपिंग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणंद की मुलाकाते सरदार पटेल मेमोरियल में सरदार पटेल की प्रतिमा ने सूतर की आती अर्पण करी, मंत्रीए सरदार पटेल पैतृक गाम की मुलाकात करी धन्यता अनुभवी। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने भरूच की मुलाकात लीधी, विधानसभा की चूंटणी में उम्मीदवारों उतारशे, महत्तम बैठक पर उम्मीदवार उभा राखशे, कहू भाजप साथ केन्द्र में गठबंधन परंतु कोई आशा अपेक्षा नहीं। मोरबी में रमेशभाई ओझा की भागवत सप्ताह त्रीजो दिवस, युवा नशा ने आधीन थयानी करी बात, युवा पराधीन छे तेज दुखनु कारण, देश ने खोखलो करवा पाड़ोशी देशों कावतरू, ड्रग्स $5 माटे अमेरिका में शूट करी नाखे छे लोको। महेसाणा में स्वामीनारायण स्वामीए शिवजी पर करेली टिप्पणी विरोध में कर्मकांडी ब्राह्मणों रेली योजी, कर्मकांडी चेरिटेबल ट्रस्ट गुजरात द्वारा आवेदन पत्र आप्यू, कड़क पगला नहीं लेवाय तो आंदोलन की चीमकी। राजकोट चेम्बर ऑफ कॉमर्स आगेवानोए राज्यना उद्योग प्रधान ने रजूआत करी, उद्योगकारों की 21 जेटली मांग ने संतोषवा रजूआत कराई, उद्योग मंत्री जगदीश पंचाले आप्यो सकारात्मक जवाब। जामनगर में रखड़ता ढोर की समस्या यथावत, मार्गो पर हजू पर रखड़ता ढोर जमावड़ो, तंत्र की कामगिरी पर अनेक सवालों। वडोदरा में रखड़ता ढोरे सगर्भा महिला ने अड़फेटी लीधी, महिला इजाग्रस्त थता महिला ने सारवार्थे हॉस्पिटल खसेड़ाई। सलाटवाड़ा में रखड़ता ढोरे महिला पर करेला हुमला बाद तंत्र जाग्यु, गैरकायदेसर बनावेला ढोरवाड़ा सील करी रखड़ता ढोर ने पकड़िया। रखड़ता ढोर मामले हाईकोर्ट की आखरी टकोर बाद शहरी विकास विभागे कायदा ड्राफ्ट तैयार कर्यो, पशुपालकों माटे हवे लायसेंस लेवो फरजियात करायू, लायसेंस लीधा 15 दिवस में ढोर ने टैग लगावा पड़शे। अमदावाद जुहापुरा में सौथी मोटी बेदरकारी साथे पड़ियो सौथी मोटो भूवो, अंबर टावर नजीक खुद एएमसी की कचरा गाड़ी महाकाय भूवा में उतरी गई। जुहापुरा में अंबर टावर नजीक भूवो पड़ता हालाकी खुद एएमसी की कचरा गाड़ी भूवा में उतरी गई,
रस्ता पर वारंवार पड़ता भूवा सामे स्थानिकों में रोष, तंत्रना पापे शहरीजनों ने हालाकी। सदियों बाद पीएम मोदी ना हस्ते पावागढ़ निज मंदिर पर ध्वजारोहण बाद मंदिर ट्रस्ट निर्णय, पावागढ़ मंदिरे हवे माता भक्तों चढ़ावी शकशे ध्वजा। 11 फूट थी ले 51 फूट की ध्वजारोहण माटे मंदिर ट्रस्टे दक्षिणा जाहिर करी। राजकोट में वरसादी वातावरण कारण आगळ धरीने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी युवक महोत्सव मौकूफ करवामां आव्यो। आगामी 16-18 सप्टेम्बर दरमियान योजावानो हतो युवक महोत्सव। राजकोट में बाबा साहेब आंबेडकर परिसर ने मोटू करने आंदोलन, बगीचा में जगह वधारवा उपवास आंदोलन शुरू करायू। ज्यां सुधी परिसर मोटू नहीं कराए त्यां सुधी आंदोलन चालू राखवानी चीमकी। बनासकांठाना कांकरेज तालुका पंचायत में विद्यार्थी मचाव्यो होबाड़ो, 3 दिवस की जाति दाखला माटे विद्यार्थी खाई रहा है धक्का। सवारथी उभा विद्यार्थी नायाब टीडीओ सामे मचाव्यो होबाड़ो। पालनपुर थी रावणयोगी समाज की पदयात्रा प्रारंभ थयो, पड़तर मांगों ने लईने पालनपुर थी गांधीनगर सुधी पदयात्रा योजाई। मांगणीओ नहीं संतोषाय तो आंदोलन की चीमकी उच्चारी। अंबाजी में दाता आंगणवाड़ी कार्यक्रमों विविध मांगणीओ ने लईने हड़ताल पर उतरिया, अनिश्चित समय सुधी आंगणवाड़ीओ बंद राखवानी आपी चीमकी। स्थानिक धारासभ्य ने कार्यकरे आप्युं आवेदनपत्र। खेड़ा में आंगणवाड़ी बहनों कलेक्टर ने आप्यो आवेदनपत्र, पड़तर मांगणीओ ने लईने रजूआत करी। आश्रे 1500-2000 बहनों कलेक्टर कचेरी घेराव करीने विरोध नोंधाव्यो। आंगणवाड़ी कर्मचारी महिला हड़ताल मामलो, सरकारे 19 तारीख सुधी आंगणवाड़ी कर्मचारी मंडल की मांगणी संतोषवा मुद्दत मांगी, मांगणी संतोषवा नहीं आवे तो फरीथी कराशे विरोध। खेड़ा में विश्वास थी विकास यात्रा अंतर्गत इप्कोवाला हॉल खाते जिला कक्षा विकास कार्यों लोकार्पण और खातमुहूर्त कार्यक्रम योजायो। 15.75 करोड़ न कुल 6 विकास कार्यों खातमुहूर्त और ई लोकार्पण करायु। पाटण में कांग्रेस राधनपुरा नगरपालिका सामे वेपारी विरोध, वेपारी काली पट्टी धारण कर पालिका सामे विरोध नोधायो। शहर में उभराती गटर थी वेपारी परेशान, प्रांत अधिकारी ने आप्यु आवेदनपत्र। संखेड़ा परवेटा गाम की शाला 90 वर्ष की जर्जरित हालत में, जिला पंचायत प्रमुख और धारासभ्य ने गाम लोगोनी अनेक वक्त रजूआत छता कोई निराकरण नहीं। 1-5 धोरण की प्राथमिक शाला में 35 जेटला बाळको करे छे जीवना जोखम अभ्यास। गांधीनगर में विधानसभा पास माजी सैनिकों मीणबत्ती मूकीने कांजीभाई ने श्रद्धांजलि आपी, 300 लोग कैंडल मार्च में जोड़ाया, कांजीभाई अमर रहो नारा गूंजया। गुजरात पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भरूच की मुलाकाते पहुंचे, आनंदीबेन पटेल की मुलाकात थी राजकीय अटकड़ों वधी, भरूच में पापड़नी फैक्ट्री की मुलाकात लीधी। राजकोट जिला विछिया तालुकाना सनाड़ी गामे 10-12 गायों मौत, असामाजिक तत्वों झेरी दवा आपीने गायों ने पूरी देता मौत निपजा आक्षेप, मालधारी पुलिस स्टेशन में फरियाद करी। पंचमहाल में शिक्षण जगत ने शर्मसार करतो किस्सो सामे आव्यो, शिक्षके कर्यु विद्यार्थिनी नु शारीरिक शोषण, पोलीसे अपहरण पॉक्सो एट्रोसिटी एक्ट की कलम मुजब फरियाद दाखल करी। बनासकांठा में विधर्मी युवक सगीरा ने भगाड़ी गया मामलो, पोलीसे आरोपी युवक की धरपकड़ करी, युवके सोशल मीडिया ना नाम बदली सगीरा ने फसावी हती। अमदावाद में सोशल मीडिया मार्फते प्रेम संबंध में आवीने युवके युवती ने लग्न की लालच आपी दुष्कर्म कर्यु, युवती ने पति साथ छूटा छेड़ा लेवड़ावीने प्रेमी युवक थयो फरार, नरोड़ा पुलिस आरोपी की धरपकड़ करी। पाटण जिला कलेक्टर ने खोटी ओळख उभी करी, सोशल मीडिया में पैसा की मांग कराई, अजाण्या ईसमे पोताना व्हाट्सएप पर कलेक्टर डीपी मूकीने खोटी ओळख उभी करी, कलेक्टर ने जाण थता कलेक्टरे कर्या लोकोने सावचेत। गीर सोमनाथ ध्रोण गामे थयेली हत्याનો भेद उकेलायो, बे व्यक्तिओए युवकने छरी और लोखंडना सड़िया मारीने हत्या करी, पोलीसे बन्ने आरोपीनी करी धरपकड़। अमदावाद सोलामां असामाजिक तत्वोनो मामलो, सोलामां 6 वाहनोमां अंगत अदावतमां तोड़फोड़, 4 लोकोए सोसायटीमां तोड़फोड़ करी, पोलीसथी न डरता होवानुं जणावीने आपी धमकी, पोलीसे तपास हाथ धरी। राजकोटना लीमड़ा चौकनी होटल में एसओजी चेकिंग, पथिक एप में एंट्री न पाड़नार बे होटल द एवरग्रांड और हिलस्टोन सामे पुलिस कार्यवाही। बनासकांठाना कांकरेजना शिहोरी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल निधन थयु, अचानक हृदयरोग हुमला थी चालू नौकरीए मौत, खानगी तबीब की तपास में मृत जाहिर कराया। राजकोट और भावनगर हाईवे पर राज समढ़ियाड़ा गामे कारे बे बाइक सवार ने अड़फेटे लीधा, घायलों ने सारवार अर्थे सिविल हॉस्पिटल खसेड़ाया, पोलीसे कार चालक की धरपकड़ करी। तापी में सोनगढ़ना हिंदला पासे एसटी बस और पिकअप वाहन वच्चे अकस्मात, वाहन चालक सहित एक इजाग्रस्त,
બંનેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા, બસમાં રહેલા તમામ બાદ યાત્રીઓ સુરક્ષિત. પંચમહાલમાં મોટી ઉબરવાન ગામમાંથી એસઓજી એ બોગસ ડોક્ટર ઝડપ્યો. બોગસ તબીબે રૂપિયા 15,343ની એલોપેથી દવાઓ સાથે ઝડપાયો. બોગસ તબીબ સામે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. કર્ણાટકમાં વરસેલા વરસાદથી જળાશયો ઓવરફ્લો થયા. તળાવ ઓવરફ્લો થતા કિનારા પરનું મંદિર જળમગ્ન થયું. ભારે વરસાદ વચ્ચે અનેક ખેતરોમાં પાણી ભરાતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન. ગામોમાં પણ પાણી ભરાતા લોકોને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો. તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદથી કાવેરી નદીની જળસપાટી વધી. રાજ્યના અનેક ધોધ તીવ્ર વેગે વહેતા થયા. ધોધમાં પ્રવાહ વધતા પ્રવાસીની મુલાકાત કરતા કરવા પર પ્રતિબંધ. નદી કિનારાના વિસ્તારોને એલર્ટ કરાયા. મધ્યપ્રદેશમાં અનરાધાર વરસાદથી અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ. રાજ્યની જામ નદીના જળસ્તર વધ્યા. નદીમાં પૂર આવતા શહેરના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા લોકોને હાલાકી. મધ્યપ્રદેશમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા જળાશયોની સપાટી વધી. નર્મદાપુરમમાં તવા ડેમની સપાટી વધી. આગામી 24 કલાક માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું. ડેમમાં જળસ્તર વધતા 9 દરવાજા ખોલાયા. મધ્યપ્રદેશમાં અનરાધાર વરસાદથી જળાશયોની સપાટી વધી. તવા ડેમમાં પાણી છોડાતા નર્મદા નદીની જળસપાટી વધી. નર્મદા નદીના ઘાટ અને મંદિરો જળમગ્ન થયા. સીવની નદી તોફાની બનતા પુલ જળમગ્ન થયો તો અનેક ગામો થયા સંપર્ક વિહોણા. મધ્યપ્રદેશમાં ધોધમાર વરસાદ. ડિંડોરી જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી સીવની નદી તોફાની બની. નદી રૌદ્ર સ્વરૂપે વહેતી થતા મુખ્ય પુલ જળમગ્ન. પૂરના કારણે 24 કલાકથી માર્ગ જળમગ્ન. 12થી વધુ ગામો થયા સંપર્ક વિહોણા. ઉત્તરાખંડમાં વરસેલા વરસાદ બાદ યલો એલર્ટ જાહેર. ચમોલીમાં વરસાદથી પર્વતો પરથી વહેતા ધોધથી પુલ તણાયો. પુલ તણાતા સ્થાનિકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવા મજબૂર. બિહારમાં મેઘરાજાએ વિરામ લેતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. વરસાદ બંધ થતા ગંગા નદીની સપાટીમાં ઘટાડો છતાં હજુ પણ ઘાટો પર ભરાયા પાણી. નમામી ગંગે પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી બની રહેલા તમામ ઘાટોની હાલત બગડી. મુંબઈના સાયનમાં ભારે વરસાદ. મુશળધાર વરસાદને કારણે ચોમેર ભરાયા પાણી. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને હાલાકી. પુણેમાં મુશળધાર વરસાદ બાદ રસ્તા પર ખાડાઓને લઈને એનસીપીના કાર્યકરોએ ધરણા કર્યા. પાણી ભરાવા અને ખાડાઓને લઈને પાલિકા કોર્પોરેશન સામે કર્યા ધરણા. નાગાલેન્ડમાં દિમાપુરમાં મુશળધાર વરસાદ. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાતા સ્થાનિકોને ભારે પરેશાની. છિંદવાડામાં મુશળધાર વરસાદને કારણે ટાટરવાડા માર્ગ થયો બંધ. ટાટરવાડા મુખ્ય માર્ગ પર બનેલા પુલની ઉપરથી પાણીના તેજ પ્રવાહ વહી રહ્યા છે. કેટલાક ગ્રામીણો જીવના જોખમે પુલ પાર કરતા દેખાયા. મધ્યપ્રદેશમાં અનરાધાર વરસાદથી જળાશયોની સપાટીમાં વધારો. તવા ડેમમાંથી પાણી છોડાતા નર્મદા નદીની જળસપાટી વધી. ફરી એક વખત નર્મદા નદીના ઘાટ અને મંદિર જળમગ્ન. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.